नमस्ते बच्चों, आज हम तितली और कली इस कविता में आए कठिन शब्द और इस कविता के प्रश्न उत्तर आज पढ़ने वाले हैं। शब्दार्थ, जो कठिन शब्द है, डाल। डाल यानी क्या होते हैं? पेड़ या पौधों की शाखा। डाल यानी पेड़ पौधों की शाखा। नन्ही, नन्ही यानी छोटी। नन्ही का अर्थ क्या है? छोटी। नन्ही सुंदर कली, जैसे छोटी सुंदर कली। भली, भली यानी अच्छी। भली यानी अच्छी, जैसे तितली कली को कहती थी ना, तुम लगती हो बड़ी भली। भली यानी अच्छी। महक, महक का अर्थ है सुगंध। महक का क्या अर्थ होता है? सुगंध। छिटकना, छिटकना यानी खिलकर या फिर मुंह खोलकर। छिटकना यानी खिलना या फिर खिलकर या मुंह खोलकर। रंगीली, सुंदर रंगों से भरी। रंगीली का अर्थ क्या है? सुंदर रंगों से भरी। अब कविता से आए कुछ प्रश्न हम पढ़ेंगे। तितली कली के पास क्यों गई थी? पहला प्रश्न है, तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास उसे जगाकर खेलने गई थी। तितली कली के पास उसे जगाकर खेलने गई थी। दूसरा प्रश्न है, तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली द्वारा खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। तितली के द्वारा खेलने की बात सुनकर जो है कली खुश हो गई थी। अगला प्रश्न है, अंदाजा लगाओ, तितली कली के पास कब गई होगी? तितली जो है कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर, शाम? तो कब गई होगी? सुबह। तितली कली के पास सुबह गई होगी। तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? हमें कैसे पता चला कि वो सुबह गई होगी? क्योंकि जब तितली कली के पास गई तो वह उसे जागने तथा आंखें खोलने के लिए कह रही थी। इससे पता चलता है कि यह सुबह का समय होगा। जब तितली कली के पास गई थी तब उससे कहा था कि जागने के लिए तथा आंखें खोलने के लिए कह रही थी। इससे हमें पता चलता है कि यह समय जो है सुबह का रहा होगा। दो दो बार, गली गली का मतलब सारी गलियां। जैसे महक, वो तितली कली से कह रही ना कि तुम खिलकर जो है अपनी महक सारी गली गली फैलाओ, मतलब सारी गलियां। उसी तरह से कली कली का मतलब क्या है? सारी गलियां। कली कली का मतलब है सारी गलियां। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। अब यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे घड़ी घड़ी, जगह जगह, घर घर, डाल डाल। इनसे क्या बनाने हैं? वाक्य बनाने हैं। आइए देखते हैं। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी मैंने ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतज़ार कर रहा था। मैं जो है ट्रेन का घड़ी घड़ी इंतज़ार कर रहा था, यानी बार बार इंतज़ार कर रहा था। उसी तरह से जगह जगह, शहर में जगह जगह कूड़े करकट का अंबार लगा था। जगह जगह, हर जगह, शहर में जगह जगह कूड़े करकट का अंबार लगा था। घर घर, दीपावली के समय घर घर में दीप जलाए जाते हैं। दीपावली के समय घर घर में दीप जलाए जाते हैं। अगला प्रश्न, डाल डाल, उस पेड़ की डाल डाल पर चिड़ियों का बसेरा है। उस पेड़ की डाल डाल पर, यानी प्रत्येक डाली पर जो है चिड़ियों का बसेरा है। ये हमने इन शब्दों से वाक्य बनाया। अगला प्रश्न है, मिलते जुलते शब्द, कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं। जैसे कली, भली, एक जैसे लगते हैं शब्द, उनको हम क्या कहते हैं? तुक वाले शब्द। एक जैसे, जैसे कली, भली। नीचे दिए गए शब्दों से कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो, जैसे बोलो, तितली, डाल। इनके एक जैसे शब्द हमें लिखना है। बोलो,
बोलो के एक जैसे शब्द कैसे होंगे, खोलो घोलो ये सब जो है एक जैसे लगते हैं, उसी तरह से तितली मितली सुतली ये जैसे एक जैसे लगते हैं, डाल थाल जाल, दाल थाल जाल ये शब्द जो है सुनने में एक जैसे लगते हैं, इनको हम तुक वाले शब्द भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। अब अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे और बुरी लगने वाली महक को कहेंगे, क्या कहेंगे? अच्छी लगने वाली महक को हम क्या कहेंगे? सुगंध। अच्छी लगने वाली महक को हम कहेंगे सुगंध, और बुरी लगने वाली महक को कहेंगे दुर्गंध। क्या कहेंगे? दुर्गंध। अच्छी लगने वाली महक को हम सुगंध कहेंगे और बुरी लगने वाली महक को दुर्गंध कहेंगे। ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं। जिनकी महक अच्छी होती है वो हमें पसंद आती है, और जिनकी महक जो है वो खराब होती है, वो गंदी होती है, वो हमें पसंद नहीं आती। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी महक पसंद है, जिनकी महक खुशबू बहुत अच्छी होती है? फूल, इत्र, पाउडर, चंदन, इनकी महक जो है बहुत अच्छी है, ये सबको अच्छी लगती है। और जिनकी महक पसंद नहीं है, जो बदबू दुर्गंध हमने पढ़ा ना, जिनकी महक अच्छी नहीं लगती दुर्गंध, तो कूड़ा कचरा पसीना गोबर मिट्टी का तेल, इनकी महक जो है वो अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं है, क्योंकि वो उनकी महक दुर्गंध कहते हैं ना, जो हमने अभी पढ़ा ना, अच्छी लगने वाली महक को सुगंध कहते हैं और बुरी लगने वाली महक को दुर्गंध कहते हैं। अगला प्रश्न है, तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी, खेलने के लिए जो है कली तुरंत जाग गई थी, तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगी और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगी? जैसे तितली ने कली को कहा था कि हम खेलेंगे, तो खेल की बात सुनकर जो है कली तुरंत जागकर खिल उठी थी, उसी तरह से आप लोग जो है किस काम के लिए जागेंगे और किस काम के लिए नहीं जागेंगे। किस काम के लिए जाग जाएंगे? जैसे विद्यालय जाने के लिए, विद्यालय जाना सबको अच्छा लगता है ना, तो इसलिए हम जाग जाएंगे। खेलने जाने के लिए, खेलना तो सबको अच्छा लगता है, उसके लिए अब जाग जाएंगे। पार्क की सैर करने के लिए, कार्टून फिल्म देखने के लिए जो है आप लोग जाग जाओगे और जागना पसंद नहीं करोगे। होमवर्क करने के लिए, बाजार जाने के लिए, ठंडे पानी से नहाने के लिए और दोस्तों के घर जाने के लिए जागना पसंद नहीं करोगे। रंग बिरंगी हरी डाल पर लगी हुई थी एक नन्ही सुंदर कली, कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है, नीचे लिखी चीजें किन किन रंगों की हो सकती है? जैसे तितली, बैंगन, पेंसिल, कुर्ता, संतरा, सूरजमुखी, लड्डू, प्याला, साग, मिट्टी, ये किन किन रंगों के हो सकते हैं? हमें पहचानना है किन किन रंगों के ये चीजें जो है हो सकते हैं, यहाँ पे उन रंगों के नाम लिखना है। तितली, गुलाबी रंग की तितली, बैंगनी रंग का बैंगन, काली पेंसिल, लाल रंग का कुर्ता, संतरी संतरा, पीली सूरजमुखी, पीले रंग के सूरजमुखी फूल, पीले लड्डू, पीले रंग के लड्डू, सफ़ेद प्याला, सफ़ेद प्याला, हरा साग, हरा साग और काली मिट्टी, ये चीज़ें इन रंगों की हो सकती है, ये जो चीज़ें हैं इन रंगों की हो सकती है, इसमें अलग अलग रंगों की अलग अलग चीज़ें हो सकती है। जैसे हरी डाल पर लगी हुई थी एक नन्ही सुंदर कली, हरी डाल पर, डाल कैसे होती है? हरी, और तो ये अलग अलग रंगों की चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी। अब जो है हम तितली और कली इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाएं। जैसे पहला प्रश्न है, पाठ में डाल का रंग कौन सा था? पाठ में जो है डाल का रंग कौन सा था? लाल, पीला, हरा, भूरा, तो डाल का रंग कौन सा था? हरा। डाल का रंग कौन सा था? हरे रंग की डाल थी ना। कली कैसी थी? बड़ी और सुंदर थी, पतली और सुंदर थी,
नन्ही और सुंदर थी या मोटी और सुंदर थी। तो कली कैसी थी? नन्ही और सुंदर थी। कली कैसी थी? नन्ही, छोटी सी और सुंदर सी थी। तुम लगती हो बड़ी भली, किसने कहा? किसने किसे कहा कि तुम लगती हो बड़ी भली? डाली ने कहा, कली ने कहा, हवा ने कहा या तितली ने कहा? किसने कहा? तितली ने कहा, तुम लगती हो बड़ी भली। कली की सुंदर महक कहाँ कहाँ तक फैलेगी? कली की सुंदर महक कहाँ कहाँ तक फैलेगी? हवा हवा तक, घर घर तक, नदी नदी तक या गली गली तक? तो कली की सुंदर महक कहाँ कहाँ तक फैलेगी? गली गली तक। कहाँ कहाँ तक फैलेगी? गली गली तक। अगला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर लिखो। हरी डाल पर क्या लगा हुआ था? हरी डाल पर क्या लगा हुआ था? हरी डाल पर गुलाब का फूल लगा हुआ था। हरी डाल पर जो है गुलाब का फूल लगा हुआ था। कली तितली को कैसे लगी थी? कली तितली को कैसे लगी थी? कली तितली को प्यारी लगी थी। भली, भली यानी प्यारी। कली तितली को प्यारी लगी थी। किस चीज़ की बात सुनकर कली ने अपनी आँखें खोल दी? किस चीज़ की बात सुनकर कली ने जो है अपनी आँखें खोल दी? तो खेलने की बात सुनकर कली ने अपनी आंखें जो है खोल दी। खेलने की बात सुनकर कली ने अपनी आंखें खोल दी। तितली और कली ने कौन सा खेल खेला? तितली और कली ने छूने का खेल खेला, यानी पकड़म पकड़ाई का। कौन सा खेल खेला था उन्होंने? पकड़म पकड़ाई, छूने का खेल खेला। अगला प्रश्न है, शब्दों को उनके अर्थ से मिलाएं। यहाँ पे शब्द, कुछ शब्द दिए गए हैं कविता में आए, हमने कठिन शब्द अभी पढ़े हैं, उनके अर्थ से हमें उनको मिलाना है। पहला शब्द है डाल। डाल यानी क्या होता है? डाल यानी शाखा। नन्ही, नन्ही यानी छोटी सी। संग, संग का अर्थ क्या होता है? साथ। संग का अर्थ होता है साथ। महक, सुगंध। महक यानी सुगंध। और भली, भली का अर्थ क्या है? प्यारी। भली यानी प्यारी। अगला प्रश्न जो है, सही शब्दों पर गोला करना है, वर्तनी, सही वर्तनी को पहचानना। सुंदर, अब सुंदर की सही वर्तनी कौन सी है इसमें? ये सुंदर। सुंदर, स को छोटे ओ की मात्रा, अम की द, सुंदर। दूसरा संग, 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 संग की सही वर्तनी कौन सी है? ये स के ऊपर अम की मात्रा। आंखें, आंखें, तो सही वर्तनी कौन सी है आंखें की? ये आंखें। रंगीली, रंगीली, रंगीली की सही वर्तनी कौन सी है? ये र के ऊपर अम की मात्रा, ग और ल को जो है बड़ी की मात्रा, रंगीली। गली, गली, तो सही वर्तनी कौन सी है गली की? गली, ल के ऊपर बड़ी की मात्रा है। छिटक कर, छिटक कर, तो छिटक कर की सही वर्तनी कौन सी है? ये छ के ऊपर, छ को जो है छोटी की मात्रा आती है, छिटक कर छोटी की मात्रा। खिली, 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 खिली की सही वर्तनी कौन सी है? ये खिली, ख के ऊपर छोटी की मात्रा, यहाँ क्या है? बड़ी की मात्रा दी है। सही वर्तनी क्या है? छोटी ई की मात्रा। ख को कौन सी मात्रा आती है? छोटी ई की मात्रा। तो आज हमने तितली और कली के सारे जो हैं प्रश्न उत्तर शब्दार्थ पढ़ लिए। धन्यवाद।